दोस्तों बी भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई के सिटी सेंटर में, जहां पर धड़क यूनियन के नेता अभिजीत राणे पहुंचे एक दुकान की ओपनिंग पर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और दुकान का किया उद्घाटन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, और हाँ वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके। चलो चलते हैं मुंबई के सिटी सेंटर में, जहां पर मोबाइल के अलावा गारमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें आपको सस्ते दाम पर मिलेगी। इस तरह धड़क यूनियन हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम करती है। मुझे खुशी हो रही है, मुंबई में हमारे साथ में काम करने वाले हमारे विक्की परेरा जी और उसकी पूरी टीम, और हमारे छोटे भाई विक्की परेरा जी और अमोल राणे और रेखा कालरा जी और हमारे सभी लोग साथ में मिलकर सिटी सेंटर में आज ये तीसरा दुकान उन्होंने शुरू किया है। मुंबई शहर में लगभग 15 से ज़्यादा चेन ऑफ शॉप्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों को रिटेल सेल के लिए प्लेटफॉर्म देने का काम हम हमेशा करते आए हैं। हमारे तो फिर आगे आप बढ़ावा भी मिल जाए मेरे साथ में, फिर 4-5 साल से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। पता अली नहीं, सर ने एक बजट मोबाइल करके शॉप खोला है, तो हम उसमें बजट के मुताबिक ही सब काम करते हैं। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, आईफोन रिपेयरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर वर्क हो गया, जिसके मतलब कम बजट में भी हम अपना काम पूरा परफेक्ट करके देते हैं सामने। एक्सेसरीज हो गए मोबाइल की, सर ने सब चीज़ की सुविधा बना के रखी है। तो थैंक्स टू सर विक्की परेरा सर एंड राणे सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और ऐसा कि हमारे साथ में काफ़ी लेडीज़ लोग भी है जो वर्किंग क्लास जो एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं। जैसा बीच में हमारे पास जब वहाँ के हमारे शॉप खोले थे धड़क के यूनियन के, तो वहाँ आशा बहन ने हम लोग को अप्रोच किया था कि उनको जॉब का नीड है, तो फिर आशा बहन को मैंने वो शॉप पे जॉब पे लगवाया। तो उसके बाद अभी एक नई उनके गांव से आई हुई लड़की है, वो उसको भी जॉब की ज़रूरत है। ऐसे जो गरीब लड़की लोग हैं जो काम कर सकते हैं, मेहनती है और काम करना चाहते हैं, उनको हम लोग जॉब्स वगैरह ऐसे शॉप के ज़रिए उनको भी जॉब्स देते हैं। तो जहाँ हमारा शॉप खुला तो हम लोग ऐसे ही कोई फैमिलीज ढूंढते, लड़की लोग ढूंढते जो स्मार्ट भी हो काम करने के अंदर और मेहनत करने के लिए पीछे नहीं आते, वैसे ये लड़कियों को हम लोग वहाँ जॉब पे लगवाते हैं।